हेलो गाइस, आज हमारे साथ है दिनेश प्रपत्र, स्टेट मेडिकल एकेडमी के एक स्टूडेंट। क्या है आपका नाम? मेरा नाम रितेश है, मैं हरियाणा पानीपत से बिलोंग करती हूँ। ओके, तो आप किसके थ्रू यहाँ आए हो? मैं सौरभ सर के आपके थ्रू, मतलब यहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ है दिनेश प्रपत्र मेडिकल एकेडमी में। तो आपने आने से पहले भी रिसर्च किया होगा यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आपको कैसा लगा यहाँ आके? जो मैंने यहाँ आने से पहले जो यूनिवर्सिटी के बारे में सुना था या जैसे मुझे सर ने बताया था, मुझे वैसे ही यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट मिला। जो स्टडी के बारे में जो बताया था, वही कमिटमेंट जो थी वही मिली है मुझे, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं मिला। तो आपको यहाँ की पढ़ाई कैसी लगी आने के बाद? पढ़ाई काफ़ी अच्छी है, टीचर्स की इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। जो वो हमें समझाते हैं या फिर हमें कोई डाउट होता है तो हम उनसे बाद में क्लियर कर लेते हैं। जो मेन चीज़ यहाँ पे है, थ्योरेटिकल पोर्शन हर जगह होता है, बट जो यहाँ का प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो ज़्यादा अच्छा, जो कि हमारी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें किसी या डमी या कोई डमी बोन्स के थ्रू नहीं, जो रियल बोन्स होते हैं या रियल स्केलेटन होते हैं उन्हीं के थ्रू हमें पढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। ओके, तो आपका ये कहना मतलब आपको यहाँ एक कड़ेवर फैसिलिटीज अच्छी मिल रही है? हाँ, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं हमें। टीचर पूरा एक्सपोजर दे रहे हैं? हाँ, टीचर पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हमें इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है, मतलब इंग्लिश कन्वर्सेशन उनकी सही रहती है। और उनका मतलब जो टीचर्स हैं यहाँ के काफ़ी हेल्पफुल हैं, वो हमें बुक्स रिकमेंड करते हैं अगर हम उनसे पूछें या हम उनसे कुछ ऐसा पूछना चाहें कि हम कहाँ से पढ़े, तो वो हमें उस चीज़ के बारे में वो सोर्स बता देते हैं कि आप इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ें। ओके, आने से पहले जैसे कि आपका जो वीज़ा प्रोसीजर था तो वो कैसा रहा है, मतलब वो टाइम पे हुआ या नहीं हुआ, आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस किया गया किसी भी चीज़ के लिए? जो कमिटमेंट्स हमें हमारी काउंसलिंग के टाइम पे दी गई थी कि आपका वीज़ा प्रोसीजर इस इतने दिनों में हो जाएगा या इतना आपको फीस इसकी देनी पड़ेगी, तो हमें वही उसी टाइम पे मिला, कोई ऐसे हमें प्रॉब्लम नहीं हुई स्टडी वीज़ा लेने में। ओके, तो आने के बाद एयरपोर्ट से यहाँ आप आए हो, तो उसमें कोई आपको परेशानी हुई? आपको आते ही सिम कार्ड प्रोवाइड कराए गए या नहीं कराए गए? विद इन 24 आवर्स हमें सिम कार्ड प्रोवाइड कराए गए, जो हमें बोला था। हमें कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ से कीव से यहाँ तक आने में। हमारे साथ हमेशा एक कोई ऐसा रहा ट्रस्टी बंदा जो हमें यहाँ तक लेके आया, जिसे हम जानते हो। मतलब आपको इंडिया से एयरपोर्ट से कोई साथ में आपको मतलब आए? हाँ, हमारे साथ आए हैं, हमें यहाँ पे और हमारे साथ रुक के भी गए हैं, हमें सब कुछ बता के गए हैं कि यहाँ से ये सारे मतलब यहाँ की हर जगह के बारे में हमें बता के गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराई गई। सिटी कैसा है दिनेपुर? दिनेपुर काफ़ी अच्छा सिटी है, और अगर गर्ल्स के लिए देखें तो मतलब सेफ्टी के पर्पज से ये बहुत ही अच्छी सिटी है। अच्छा, आप क्या रिकमेंड करोगे? दिनेपुर जो मेडिकल एकेडमी है वो बहुत ही अच्छी एकेडमी है। यहाँ के स्टडी के लेवल अगर हमें देखा जाए, जो MCI का लेवल, उस लेवल की हमें स्टडी करा रहे हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक है, यूक्रेन की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से आती है। और मैं इस यूनिवर्सिटी को ही रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर मैं आई हूँ तो मुझे जो कमिटमेंट्स मिली थी वही आज मेरी यहाँ पे पूरी हो रही है। मुझे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं लगा कि मुझे इंडिया में वो कमिटमेंट की गई थी और यहाँ पे आके वो कमिटमेंट फुलफ़िल नहीं हुई है। जो कमिटमेंट करी थी वही है, और मैं बहुत अच्छी कंसल्टेंसी के थ्रू यहाँ पे आई हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ही लगे फील कर रही हूँ। For more information on admissions, please contact us directly.